हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज ये वाला पैटर्न लेके आई हूँ। ये आप लेडीज जैकेट पे, कार्डिगन पे, लॉन्ग स्वेटर पे, बच्चों के स्वेटर पे या जेंट स्वेटर पे भी बना सकते हैं। दोनों तरफ से एक जैसा डिजाइन है। बेबी ब्लैंकेट पे अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, दोनों तरफ से एक जैसा दिखाई देता है। फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए हमें 3-3 के मल्टीपल में डबल क्रोशिया कर लेने हैं। और ये देखिए, यहां से यहां तक ये 3, फिर 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, ये इस तरह से करके 3-3 के मल्टीपल में कर लेंगे तो आपका डिजाइन सेट हो जाएगा। तो बना के बताते हैं कैसे बना है ये डिजाइन। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहले से हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप देखते रहें नए से नए डिजाइन। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे बनाए प्रोजेक्ट पसंद आ रहे हैं तो अपने फैमिली मेंबर्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर किया कीजिए ताकि आपके साथ साथ वो सब भी एंजॉय कर सकें। तो ये फ्रेंड्स, मैंने 3 के मल्टीपल में एक डबल क्रोशिया करके एक बेसिक रो तैयार कर ली है। तो इसी के ऊपर आपको मैं डिजाइन बनाना बता दूंगी। तो ये देखिए, यहां पर हमने 2 चेन कर लेने हैं और एज स्टिच लगा लेने हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां से हमने 2 स्टिच छोड़ने तो तीसरे में आना है। तो इस तरह से एक स्टिच बनाना है। अब यहां हमने 2 चेन बनानी है और सेम पोस्ट पे एक और स्टिच बनाना है। फिर देखिए, 2 स्टिच छोड़ेंगे तीसरे में आ जाएंगे। अब 2 चेन, सेम पोस्ट पे एक और स्टिच, 2 स्टिच छोड़ेंगे तीसरे में आ जाएंगे, 2 चेन कर लेंगे, एक दो स्टिच छोड़ेंगे तीसरे में आ जाएंगे, 2 चेन करेंगे, एक दो, दो स्टिच छोड़ेंगे। तो यहां पर हमने एज स्टिच बना लेने हैं। ये हमारी एक रो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट रो पे आ गए, 2 चेन, अब देखिए फ्रेंड्स, यहां एक चेन बना लेंगे तो इसके अंदर ऐसे टक कर लेंगे। अब एक चेन बनाएंगे तो इसमें आएंगे, ये देखिए, 1-2-3, 3 बार लूप निकाला और इस तरह से लॉक कर दिया। फिर एक चेन, 1-2-3, इस तरह से लॉक करना है। फिर एक चेन, 1-2-3, सबको एक साथ बनाएंगे और ऐसे लॉक कर देंगे। एक चेन यहां टक कर लेंगे, फिर से एक चेन यहां आ जाएंगे, 1-2-3, एक चेन, 1-2-3, एक चेन, 1-2-3, एक चेन, तो यहां टक करेंगे, फिर से एक चेन करेंगे, 1-2-3,
ये देखिए एक रो हमारी कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट रो पे आ गए। दो चेन करेंगे, एक दो। अब देखिए फ्रेंड्स इसके ऊपर ये सेंटर वाला है जो एक दो तीन बार हमने लूप बनाए हैं, तो जो बीच वाला है इसके ऊपर ऐसे बना लेंगे, दो चेन करेंगे, सेम पोस्ट पे फिर से एक स्टिच लगाएंगे, इसके बाद यहाँ आ जाएंगे, एक स्टिच बनाएंगे, फिर दो चेन बनाएंगे, सेम पोस्ट पे फिर से एक चेन लगाएंगे, पूरी रो हमने इसी तरह से कंप्लीट करते जाना है। ये रो कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स, नेक्स्ट रो पे आ गए हैं, दो चेन करेंगे, यहां देखिए फ्रेंड्स हमने डिजाइन को शिफ्ट कर देना है, अब की बार ये डिजाइन हमने यहां बनाना है, एक चेन कर लेते हैं, एक दो तीन, अब एक चेन, एक दो तीन, एक चेन, एक दो तीन, एक चेन, एक चेन करेंगे यहाँ टक कर लेंगे, अब एक चेन करेंगे यहाँ आ जाएंगे, एक दो तीन, एक दो तीन, अब एक चेन, एक दो तीन, अब एक चेन तो यहाँ पे टक कर लेंगे, फिर से एक चेन करेंगे तो यहाँ एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक चेन, अब यहां पर इस तरह से हमने ऐसे बना लिया है फ्रेंड्स, इस तरह से ये डिजाइन आएगा। अब आप बनाइए और फीडबैक मुझे जरूर दीजिए। Thanks for watching.